Hello students, welcome to IBS online classes. I hope everyone is doing well. Let's start with the important news items for today. सबसे पहले हम देखेंगे जो भी highlights रहे आज के दिन के. ICFRE inks two MOUs to launch Prakriti program. राष्ट्रीय महिला किसान दिवस is celebrated every year on 15th of October. The SRIX Agri Business Academy, which is an Indo-UK collaborative initiative, has been launched at SR Innovative Exchange Campus in Warangal. Nimesh Shah, the MD and CEO of ICICI Prudential Mutual Fund, has been selected as the new chairman of Association of Mutual Funds of India. And the 12th Asia-Europe Meeting Summit will be held in Brussels in Belgium. So these were the highlights of the day. इसके बाद चलते हैं डिटेल डिस्कशन पे और सबसे पहले हम बात करेंगे जो दो MOU साइन किए गए हैं प्रकृति प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए. तो ICFRE का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन. तो ये देहरादून में स्थित है. इन्होंने दो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के साथ प्रकृति प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए. तो ये जो MOUs हैं इनका मेन एम है कि जो इंडिया का यूथ है उसको और भी ज़्यादा जागरूक किया जा सके कि एनवायरनमेंट के क्या इश्यूज़ हैं नेशनली और ग्लोबली और उनको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स जो है बनाया जा सके. तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना स्कूल के बच्चों के लिए ताकि वो जो सस्टेनेबल यूज़ होती है रिसोर्सेज की वो सीख सकें और उसी के साथ साथ प्रैक्टिकली उसको जो है इम्प्लॉय भी कर सकें. तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं. जो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री एजुकेशन एंड रिसर्च है उसने दो MOU साइन किए हैं प्रकृति प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए. इसके बाद थोड़ा सा जान लेते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के बारे में. ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर काम करती है. इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो देहरादून उत्तराखंड में स्थित हैं. तो इसका जो मेन काम है वो है कि जितनी भी इंडिया में फॉरेस्ट पे रिसर्च होती है और जो टेक्नोलॉजीज़ क्रिएट की जाती हैं और उसी के साथ साथ जो फॉरेस्ट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है उस सबको कंडक्ट करवाना जो है ICFRE का ही काम है. तो ICFRE जो है लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जो कि फॉरेस्ट्री में रिसर्च करती है और इसको 1987 में शुरू किया गया था. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं. जो ICFRE है वो फाउंड की गई थी 1987 में और जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो देहरादून उत्तराखंड में स्थित हैं. इसके बाद बात करते हैं 2018 राष्ट्रीय महिला किसान दिवस. तो जो राष्ट्रीय महिला किसान दिवस है वो इस साल 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया और इसका जो मेन एम है वो है कि जो औरतें हैं उनका एग्रीकल्चर और उसके साथ जो जुड़े हुए सेक्टर्स हैं उनमें पार्टिसिपेशन जो है बढ़ाना औरतों का. तो जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं राधा मोहन सिंह वो एक फंक्शन में जो है चीफ गेस्ट होंगे नई दिल्ली में जिसमें जितनी भी वुमेन फार्मर्स हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैं वो सब इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे. तो ये जो 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस ऑब्जर्व किया जाता है ये डिसीजन लिया गया था 2016 में. तो जो औरतें हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट्स हैं उनमें जैसे कि सोइंग प्लांटिंग फर्टिलाइजर्स हार्वेस्टिंग वीडिंग स्टोरेज एट्सेट्रा. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं. जो 2018 का राष्ट्रीय महिला किसान दिवस है वो ऑब्जर्व किया गया 15 अक्टूबर को और जो इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनका नाम है राधा मोहन सिंह. इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे. इंडियाज फर्स्ट एग्री एंड फूड बिजनेस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म. तो जो इंडिया का पहला एग्री और फूड बिजनेस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो शुरू किया गया SR इनोवेशन एक्सचेंज कैंपस में वरंगल में. तो ये जो है इंडिया और यूके का एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है और ये पहला ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया में लॉन्च किया गया एंड्रयू फ्लेमिंग के द्वारा जो कि ब्रिटिश डिप्यूटी हाई कमिश्नर है हैदराबाद में. तो जो SRIX है वो एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर. तो ये जो बेसिकली है एग्रीकल्चर और जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के स्टार्टअप्स हैं उस पर फोकस करता है. तो जो सरस एकेडमी लिमिटेड है जो कि यूके की एक बेस्ड कंपनी है और जो SRIX है इन दोनों ने ये जो है कोलैबोरेट करके इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं. जो इंडिया का पहला एग्री एंड फूड बिजनेस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है SRIX एग्री बिजनेस एकेडमी वो लॉन्च की गई है वरंगल में. इसके बाद बात करते हैं चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया. तो निमेश शाह जो कि
ICICI Prudential Mutual Fund के MD और CEO हैं, उनको इलेक्ट किया गया है Association of Mutual Funds in India के नए चेयरमैन. तो एज द चेयरमैन जो है, इनका मेन चैलेंज रहेगा इन्वेस्टर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स क्रिएट करने में. जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉर्म की गई थी 1995 में, और ये म्यूचुअल फंड्स की जितनी भी इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करती है. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया है, उसके चेयरमैन रिसेंटली जो है अपॉइंट किया गया है निमेश शाह को, जो कि ICICI प्रोडेंशियल म्यूचुअल फंड के MD और CEO हैं. इसके बाद बात करते हैं 12th एशिया यूरोप मीटिंग समिट 2018 के बारे में, जो कि ब्रसल्स बेल्जियम में हुई 18 अक्टूबर को. तो इसका जो थीम था वो था ग्लोबल पार्टनर्स फॉर ग्लोबल चैलेंजेस. तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, उन्होंने इंडियन डेलीगेशन को हेड किया इस दो दिन के समिट में. तो ये पहला ऐसा मल्टीलेटरल समिट है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जिसमें जो है अटेंड कर रहे हैं, जब से वो ऑफिस में आए हैं तब से लेके अब तक. तो जो ये एशिया यूरोप मीटिंग समिट है, ये एक हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है जो कॉपरेशन और डायलॉग का मौका देता है एशिया और यूरोप के बीच में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी और टूरिज्म के इश्यूज़ को लेके. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, जो 12th एशिया यूरोप मीटिंग समिट है वो रिसेंटली हुआ ब्रसल्स बेल्जियम में, और इसका जो थीम है वो था ग्लोबल पार्टनर्स फॉर ग्लोबल चैलेंजेस. So students, that's all for today. Thank you very much for watching this video. Please do like this video and subscribe to our channel.